बाद में ब्रॉम ने एरेगॉन को बताया कि उसने एक ड्रैगन मैजिक किया था और हर एक ड्रैगन राइडर ये ड्रैगन मैजिक कर सकता है। इसके बाद ब्रॉम एरेगॉन को कुछ स्पेल्स सिखाता है। वह एरेगॉन को बताता है कि स्पेल्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेल्स बेहोश कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं और कुछ तो मार भी सकते हैं, इसलिए इन स्पेल्स का इस्तेमाल सावधानी के साथ ही करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एरेगॉन धीरे धीरे ड्रैगन राइडिंग में काफी माहिर होने लगता है। राइडिंग करते समय एरेगॉन की नजर ब्रॉम के ऊपर पड़ती है, जिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। उसे बचाने के लिए एरेगॉन जल्दी से ड्रैगन के साथ पेड़ों में घुस जाता है, जहां सफीरा को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। सफीरा का ट्रीटमेंट करते समय एरेगॉन को पता चलता है कि ब्रॉम भी एक ड्रैगन राइडर था। तब ब्रॉम उसे ड्रैगन राइडर्स की जंग के बारे में बताता है। राइडर्स के अंदर काफी ज्यादा घमंड आ गया था, इसके कारण वह आपस में ही दुश्मन हो गए। इस लड़ाई में ड्रैगन राइडर्स के साथ ड्रैगन्स भी मरते चले गए और किसी लड़ाई में एक राइडर ने ब्रॉम के ड्रैगन को मार दिया और गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कि वह आखिरी ड्रैगन राइडर हो सकता है, ब्रॉम ने उस ड्रैगन राइडर